गुड मॉर्निंग टू क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कल आप मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें कहता है इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज ऑल्सो ए होल नंबर। अगर ए और बी दो होल नंबर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर होता है। जैसे हम लोग किसी संख्या के लिए ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 5 and 8 आर टू होल नंबर्स, ये हमारा दो होल नंबर है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 into 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इज ऑल्सो ए होल नंबर। ये निश्चित रूप से यह भी एक होल नंबर है, इसलिए किसी भी दो होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक होल नंबर होगा। दूसरा कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए गुणे बी बराबर होता है बी गुणे ए। यानी कि अगर 5 and 7 आर टू होल नंबर्स देन 5 into 7 कितना हो जाएगा 35 और 7 into 5 ये कितना हो जाएगा 35। देयरफोर हम क्या लिख सकते हैं 5 into 7 इज इक्वल टू 7 into 5 ये भी इज ऑल्सो ए होल नंबर, या भी एक होल नंबर है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। इफ ए इज ए होल नंबर देन ए इंटू जीरो बराबर 0 into 8 बराबर होगा 0। अगर हम ए में 0 से मल्टीप्लाई करें और 0 में ए से मल्टीप्लाई करें, हर हालत में इसका मान 0 ही होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला प्रॉपर्टी चौथा नंबर कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने होता है वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वन। तो वी नो दैट दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
आइडेंटिटी इज वन देन ए इंटू वन बराबर वन इंटू ए बराबर ए ऑल्सो ए होल नंबर ऑल्सो ए होल नंबर। जैसे हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं फाइव, तो फाइव इंटू वन बराबर वन इंटू फाइव, यह बराबर होगा फाइव, यह भी होल नंबर है। कोई संख्या एट लेते हैं, एट इंटू वन बराबर वन इंटू एट, ये बराबर हो जाएगा एट, यह भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। इसलिए हमारा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होल नंबर नियम को सेटिस्फाई करता है। हम देयरफॉर होल वन इज कॉल्ड देन वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इस प्रकार जो भी हम चीज देख रहे हैं इसे अगला हमारा फॉर्मूला है, अगला दिया हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि यदि तीन होल नंबर हो, तीन होल नंबर हो तो उसका तीनों का गुणनफल भी एक होल नंबर होगा। अगर हम उसके डिजिट को चेंज करें तो भी ये होल नंबर होगा। चौथा देता है इफ ए बी सी आर थ्री होल नंबर्स देन ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी। ये भी हमारा एक होल नंबर होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे टू थ्री फोर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू फोर, ये बराबर कितना होगा, तो टू इंटू थ्री फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व और ये हो गया कितना 24। अगर हम यहां लेते हैं टू इंटू थ्री इंटू फोर, ये कितना होगा, तो थ्री टू जा सिक्स इंटू फोर, ये भी कितना हो गया 24। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे नियम को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी होल नंबर के साथ हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये अगला नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी छठा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है इफ ए बी सी आर थ्री होल नंबर्स देन ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी।
या b प्लस सी इंटू ए बराबर होता है b इंटू ए प्लस सी इंटू ए, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। किसी भी संख्या के लिए ले सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 या बराबर होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ये बराबर हो गया 6 प्लस 8, ये हो गया 14। और इसे भी LHS भी करेंगे तो 2 इंटू 7 या बराबर कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारे LHS जो है यह RHS के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी होल नंबर के साथ कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो भी सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मूला प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, यह हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम लोग 3D एक्सरसाइज को बनाएंगे, एक्सरसाइज 3D, 3D आप इसके प्रश्नों को बनाइएगा, जितना बन जाएगा उस ठीक है, नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे इसको एक्सरसाइज 3D, और आप बना लेंगे और कल हम फिर अगले प्रश्नों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लिखने में दिक्कत होती हो तो वीडियो को रोक दीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे, इस तरह करने से आपका लिखावट में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।